हेलो डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, छा गए हैं आप। जरा ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। आज तो आपका दिन है, ब्रीफ क्या तो खुल के बोलिए। सर, माय नेम इज अभिषेक कुमार सिंह सर। आई एम फ्रॉम द काजल मेडिकल यूनिवर्सिटी और आई वुड लाइक टू टेल यू सर दैट आई एम फॉलोइंग द टीम मोटिवेशन फ्रॉम द फर्स्ट कोर्स। ईच एंड एवरी क्लासेस आई वाज देयर इन द क्लास, ईच एंड एवरी टीचर आई वाज आस्किंग सम डाउट्स एंड आई वाज गेनिंग फ्रॉम देम द गाइडेंस शिप हाउ टू प्रोसीड इन द एग्जाम एंड दैट हेल्प मी अलॉट। And sir, you know me, I was there when you will come in the Karaganda, when you was there in the The Karaganda, I Abhishek was I there. know is totally different from the Abhishek what I'm seeing on the screen right now. Okay, Actually, sir, I am feeling a little bit nervous, sir. why? It was the first time, sir, when I'm giving an interview on the screen. I don't know how it feels. Are never buddy. See, you have scored such a good thing. You have got such a good score in the exam. You have cleared it in the very first attempt itself. So there's no point for you to be nervous. Fine. That is the problem. See, that exactly is the problem. That exactly is the problem in this exam, that many of us, they don't know how easy it is to crack the exam if you study consistently. Fine. That's my two cents, that if you study consistently, you can easily crack the exam. But क्या है ना, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो इस साइड पे बैठ के आप कुछ भी बक बक करते रहिए। जो उधर बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपने कैसे इंटरव्यू क्लियर किया। राइट तो मैंने डॉक्टर श्वेता से अभी बात कर रहा था। बड़ा प्राउड सा फीलिंग आता है। सर यू यू आई मीन यू गाइस कैन नॉट फील द काइंड ऑफ प्राइड वी हैव जब हम आपके साथ डॉक्टर डॉक्टर कह के बात करते हैं ना। क्लास में भी बोलते हैं, सर लेकिन यहां आप तो मालूम है कि आप तो सर्टिफाइड हैं। वहां तो मोरल बूस्ट कर रहे होते हैं आपका, यहां तो आप सर्टिफाइड हैं अभी। तो मैं उनसे भी वही सर पूछ रहा था कि ऐसा क्या अलग किया आपने कि आपने फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोगों का क्लियर हो रहा है। यू मस्ट बी अवेयर, जो लोग फंसे हुए हैं वो तो फंसे हुए हैं काफी देर से, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी कम लोगों का क्लियर होता है, और इतने अच्छे स्कोर के साथ तो एक्चुअली कम होता है। सो प्लीज टेल अस कि आपने क्या अलग किया बाकी बच्चों से, जो उनको भी करना चाहिए ताकि वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें। दैट लैंग्वेज एक्चुअली इज योर सर चॉइस, हिंदी और इंग्लिश। ओके सर एक्चुअली सर बात ऐसी थी कि मैं सर फर्स्ट ईयर से ऑफलाइन क्लास लेता था डीमोटिवेशन की। मेरे काफी फ्रेंड्स भी थे और काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे भी सर जिन्होंने ऐप से किया, ऐप से भी निकले हैं। लेकिन सर जो पर्सनली मैं फील करता हूँ सर, ऐप होना और सर ऑफलाइन क्लास लेना सर उसमें बहुत बड़ा फर्क है सर। सीरियसली हर कोई कैपेबल नहीं होता सर। मैं खुद भी, मैं दूसरों क्या बात करूँ सर, मैं खुद ही बात करता हूँ सर, मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं सिर्फ ऑनलाइन बैठ के ऐप से पढ़ के सर एग्जाम क्लियर कर पाऊँ। बट भाई, तो जब मैं सर आपके साथ डिस्कस किया करता था क्वेश्चंस, वो हम लोगों के इन बिटवीन द क्लास वाले जो सेशन होते थे बाहर, राइट, उस पे हम लोग जब बैठ के आपके साथ कभी को टॉपिक डिस्कस किया करता था, तो आपकी बड़ी इन डेप्थ नॉलेज हुआ करती थी। आई स्टिल रिमेम्बर ये जीईआरडी वाले पॉइंट पे हमने एक बार डिस्कस किया था, तो जीईआरडी पे आपने तीन चार ऑप्शंस जो भी थी सारी की सारी आपने बता दी थी उस समय। तो क्या एक्चुअली आपने सारे टॉपिक इतने इन डेप्थ जाके पढ़े, या जिस सब्जेक्ट की क्लास हो रही होती थी वही इन डेप्थ पढ़ते थे? नहीं सर, बात ऐसी है ना कि सर ये जैसे जीआरडी का आपने नाम लिया तो ये टॉपिक सर ओवरलैप होते हैं काफी सारे सब्जेक्ट्स में। और सर जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं सर वहाँ पे ये टॉपिक आते हैं तो सर हम इन डेप्थ तो नहीं पढ़ते सर। मेरा तो ये मानना है कि जो मुझे टीचर पढ़ा रहा है अगर मैंने उतना पढ़ लिया तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो सर सीरियसली मैं सिर्फ राइट वही चीजें फॉलो करता था सर। इन डेप्थ तो सर मुझे खुद को नहीं पता कि इसकी कितनी डेप्थ होगी सब्जेक्ट की। ऑल्दो सर मतलब मैंने एग्जाम दिया था, मैं वो सर थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतनी एग्जाम मेरा अच्छा हुआ नहीं, लेकिन सर 171 आए तो सर मैं बहुत खुश था कि चलो निकल गए। बाकी सर मुझे याद है सर, मैं एक्चुअली सर चार पांच टीचर हैं सर टीम मोटिवेशन के सर, मैं उनका सर बहुत बड़ा फैन हूँ सर। एक श्रीकांत सर हैं सर एनाटॉमी के, ठीक कोर्स है सर। मैं सर आपका भी नाम लूंगा लेकिन सर आप बोलोगे कि मैं बस आपके लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, आपका मुझे मालूम है। ठीक है, आशुतोष सर हैं, मनीष सोनी सर थे सर मेडिसिन के, सर उनका मैं सर डाई हार्ट फैन हूँ उनके सर। ओह मेडिसिन दैट्स ग्रेट। उनने इतनी सिंप्लीफाई करके पढ़ाई है सर। और सर डॉक्टर दिनेश यादव सर फार्मा के, सर मुझे याद है सेकेंड ईयर के अंदर सर वो फार्मा की क्लास लेने आए थे और सर उससे मुझे कुछ नहीं बताता फार्मा के अंदर। और सर मैं वहाँ पे क्लास में बैठा था, मैंने बाद में सर से पूछा कि सर आप जो क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो जो ड्रग्स मैकेनिज्म बता रहे हो सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा तू बस अभी बैठ और सुन, ये चीज तुझे बाद में पता लगेगी क्या हो रहा है।
अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि एकदम देसी आदमी है, बिल्कुल आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाएंगे जो जो साइड इफेक्ट आपने अपने तरह के मरीजों में जाके देखने हैं, एक एक चीज वो वाली बताते हैं, उनसे उनकी बात को याद रख पाना थोड़ा इजी हो जाता है। मैकेनिकल नहीं है बिल्कुल सर, डॉक्टर दिनेश। यस सर, और सर ये सर आपके साथ भी है सर, सिंपलीफाई तो आपने भी सर्जरी, सर आप कहते हो सर्जरी हार्ड नहीं है, सर मुझे फोबिया था सर्जरी से, जो मैंने नहीं पढ़ा मुझे था। लगती है नहीं सर मुझे बिल्कुल नहीं लगती, आपसे पढ़ने के बाद सर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया सर मुझे सर्जरी का। वाओ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड सर एक आप चीज है जो मैं, वहां पे काफी एक्टिव थे, खूब एक्टिव थे आई नो राइट, तो मुझे क्या लगता है कि आपके जैसे जो एक्टिव लोग हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, आप तो क्लियर किए ऑफ कोर्स, अच्छा किए, बाकी सारे काम मैनेज करते करते आपने साथ में पढ़ाई भी की, अच्छे से पढ़ाई की राइट। कुछ लोग हैं वहां पे जिनका जैसे इस बार हो जाना चाहिए था, हमें लगता है कि यार इनका तो हो जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, कुछ लगता है उनकी क्या गलती रही होगी या वो गलती कैसे सुधार सकते हैं? यहाँ पे खड़े मैं और आप तो आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन उनका भी देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब और क्या कर सकते थे वो। सर पहली बात तो सर मतलब मैं अपने आप को लगी समझता हूँ कि सर मैं निकल गया। ऑफलाइन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो टीचर आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने आ रहे हैं आपको सर वो क्लास लेनी ही चाहिए ठीक है। और सर दूसरी बात, जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो नो डाउट सर उनमें मुझसे ज्यादा पोटेंशियल है सर, मैं जानता हूँ मेरे पूरी ईयर को कि कौन कितना हिम्मत रखता है। सर उनको मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, 3-4 नंबरों से आप इस बार रहे हो, जितना ज्यादा आप ब्रेन टेस्ट होगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई चीज हमने पढ़ी, अगर हमें उसमें ये क्लैरिटी हो गई कि इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो सर वो आप कभी नहीं भूलने वाले। और सर एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, जो टॉपिक आपको आता है जिसमें आप कंफ्यूज हो ना, वही टॉपिक आपका सबसे ज्यादा टाइम खाएगा। वो क्वेश्चन कभी आपका टाइम नहीं खाते जो आपको नहीं आते, क्योंकि आप उनको स्किप करके आगे चले जाओगे, आपका कंफ्यूजन आएगा उसी क्वेश्चन पे जिसके बारे में आप सोचने लग जाओगे। और सर बस वही दिक्कत होती है कि दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन थोड़े रूल आउट हो जाते हैं और दो ऑप्शन में सर फिर तुक्का ही लगता है, वही तुक्का लगता है। अच्छा एक बस लास्ट क्लोजिंग आर्गुमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट, नॉट आर्गुमेंट स्टेटमेंट, दो तीन सब्जेक्ट जो मुझे पर्सनली लगता है कि बड़े डिफिकल्ट हैं डील करने, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, फाइन, आपने किस तरह से इनको टैकल किया वो बता दो, मुझे लगता है ये सुपर हेल्पफुल होगा बाकी लोगों के लिए जो इस बार नहीं क्लियर कर पाए या जिन्होंने आगे देना है पेपर। सर आपने जो तीन सब्जेक्ट बताए सर, इनमें से तो सर मैं दो सब्जेक्ट को सर मैं टफ में गिनूंगा ही नहीं, क्योंकि सर जैसे ही मैंने श्रीकांत सर का नाम लिया था, सर आप यकीन नहीं करोगे सर, श्रीकांत सर 4 बार एनाटॉमी पढ़ाने आते हैं कारागंदा के अंदर, और सर मैंने 4 बार एनाटॉमी की ऑफलाइन क्लास ली है। वेरी गुड। और तो मुझे सर एनाटॉमी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था मैं एनाटॉमी पे, और रही बात फार्मा की, तो सर मैंने देख सकी फार्मा की ऑफलाइन क्लास ली थी कारागंदा के अंदर, और सर उसके बाद सर ऑनलाइन क्लास भी लेते थे कभी कभी दिनेश सर, तो मैं सर उनको फॉलो करता था और सर से टच में था। तब मेरा बस फायदा ये था कि जितने भी टीचर्स कारागंदा में आते थे, चाहे आप हैं या आशुतोष सर जी हैं, सर मैं हमेशा आप लोगों के टच में रहूं, मैं आपसे पूछता रहूं सर, ये सर मेरे सिलेक्शन में सर बहुत बड़ा रोल है सर आप लोगों का। देखो सारे ही बच्चे माँ बाप के लिए ना सारे बच्चे प्यारे होते हैं, बट मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत आए किसी भी समय, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे दिन नहीं देखना रात नहीं देखना, किसी भी समय मैसेज करो, जरूर करो, फाइन। तो यही मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो लोग अभी हमारे में से मैसेज सुनेंगे कि जैसे अब देखो मैं और आप टच में थे वहां पे, हम तो घूमने फिरने भी जाते थे, खाना खाने भी जाते थे, लेकिन वहां पे भी हम लोग पढ़ाई की 2-4 बातें कर लिया करते थे, जो आपके मन में क्वारी होती थी यार शाम को क्या डिस्टर्ब करना सबको, क्या शाम को रौनक वाला समय होता है, अभी दिन दिन में पूछ लो। तो दैट्स व्हाट आई वांट कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं साथी हैं उनके मन में कोई क्वारी है तो होल्ड बैक ना रखे, कहीं से भी पढ़े, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस एट ऑल, फाइन, आप कहीं से भी पढ़ो, हम लोगों का जो है हम सर्विसेज हैं हमारी उसको आप यूटिलाइज करें, That's what I keep on saying. देखो हमने कितना को डिस्कस किया, मुझे लगता है उसमें से एक आधा क्वेश्चन भी आ गया सपोज अगर एग्जाम में, तो फायदा ही है ना उन बातें मारने का भी। ईडीएस तो आई था सर। चलो अभी प्लान्स क्या हैं, किसमें पीजी करने का मन है? सर इंटर्नशिप के बाद डिसाइड करूंगा कि कौन सी मार्च अच्छी लग रही है मुझे इंटर्नशिप पर। सर्जरी में पीजी करने का मन हो तो फिर हमारा साथ लंबा चलेगा। श्योर सर। चलो बड़ी विश यू ऑल द बेस्ट, दिल्ली आइए फिर मिलते हैं। Yes, sir. Thank you, sir. All the best. All the best, buddy. Bye-bye.